आज नवरात्रि का सातवां दिन है और सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप कालरात्रि को महायोगिनी और महायोगेश्वरी भी कहा जाता है। यह देखने में भयानक है लेकिन ये शुभ फल देने वाली है, इसलिए इसे शुभांकरी भी कहा जाता है। नवरात्रि के सातवें दिन आज हम सभी गर्भवती माँ को माँ कालरात्रि के बारे में बताएंगे, उसकी कथा सुनेंगे और साथ ही करेंगे अपने गर्भस्थ शिशु के साथ प्यारा सा गर्भ संवाद। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का सप्तम स्वरूप है। माता अत्यंत दयालु और कृपालु है। ये देवी सर्वत्र विजय देने वाली है। मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली देवी है। यह माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक होगा। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। इस देवी के तीन नेत्र है। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो, ऐसी ये संकेत देती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव दैत्य राक्षस और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ग्रह और बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। ये तो थी माँ की विशेष कथा। अब हम करते हैं अपने प्यारे से गर्भस्थ शिशु के साथ प्यारा सा गर्भ संवाद। हेलो मेरे प्यारे शिशु, आज नवरात्रि का सातवां दिन है। आज मैंने आपको माँ कालरात्रि की कथा सुनाई। आशा रखती हूँ कि आप मेरे गर्भ में सकुशल होंगे। आज माँ कालरात्रि का दिन है। जिनकी कथा अभी ही आपने सुनी, माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही डरावना है और भयभीत करने वाला है। परंतु हे मेरे बाल स्वरूप, आप डरना नहीं। माँ कालरात्रि तो आप जैसे प्यारे और अच्छे गुणवान शिशु की रक्षा करती है। माँ कालरात्रि ने ये भयावह स्वरूप रक्त बीज जैसे दैत्य राक्षसों को मारने के लिए लिया था। आज कलयुग में भी भ्रष्टाचार अनीति पापाचार अन्याय और पाखंड जैसे राक्षस है जो सदैव अच्छे इंसान को हैरान परेशान करते रहते हैं। हे मेरे शिशु, आप माँ कालरात्रि की तरह ही इन सभी राक्षस रूपी अनिष्टों का संहार करना। माँ कालरात्रि आप में इतनी शक्ति भरे, इतना तेज बहादुरी हिम्मत प्रदान करे कि आप हमेशा इन सभी राक्षसों के खिलाफ बंड पुकार सको। माता के गले में विद्युत की माला है जो प्रकाशित होती है। हमें ये सिखाती है कि हम जब सही रास्ते पे चलते वक्त भटक जाए तो वो हमेशा प्रकाशमान होके हमारी रक्षा करेगी। हे मेरे शिशु, आप भी हमेशा दूसरों के जीवन से अंधेरा दूर हो सके ऐसी कोशिश करना और हमेशा ही दूसरों के जीवन में उजाला ही प्रसराना। हे माँ कालरात्रि, सदैव आप हमारे शिशु की रक्षा करना। धन्यवाद।